सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, जिले इंतजामिया इन एक्शन। लाहौर के गैर कानूनी व्हाइट हाउस की मिसमारी का अमल जारी। क्रेनों, हथौड़ों और भारी मशीनरी से खोकर पैलेस को गिराया जाने लगा। पैलेस में मौजूद गंदम की बोरियां, अलमारियां और दीगर सामान उठा लिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद बट की जेर निगरानी ऑपरेशन जारी। कहते हैं खोकर पैलेस में मौजूद 10 कनाल सरकारी अराजी बागुजार करवाई जाएगी। खोखर बरादरान के गिर्द घेरा तंग। व्हाइट हाउस का एक और केस बेनकाब। पहले पास नक्शा, फिर मनसूख नक्शा और अब एलडीए का भी मंजूर नक्शा सामने आ गया। 60 कनाल पर मोहित खोखर पैलेस की सिर्फ 9 कनाल अराजी की मंजूरी ली गई। शफी खोखर, अफजल खोखर और सैफ खोखर के नाम 4 नक्शे पास हुए। करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार एलडीए के साबिक डायरेक्टर राय अशरफ ने नक्शे पास किए। लोगों की जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। लीगी एमएनए अफजल खोखर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से गिरफ्तार। अफजल खोखर के खिलाफ थाना नवाब टाउन में जमीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। मुकदमा बरतानिया में मुकीम मोहम्मद अली जफर की मुदियत में दर्ज किया गया। कई साल कबल तारिक महमूद नामी शख्स ने 34 मरला जमीन खरीदी थी। अब इस जगह पर खोखर पैलेस बन चुका है। एफआईआर का मतन, तमाम जायदादें कानूनी हैं, कोई कब्जा नहीं किया। सैफुल मलूक खोखर की मीडिया से गुफ्तगु। यतीमों और बेवाओं की जमीनें हड़प कर गए, आज तक जो करते रहे इस पर खुदा का खौफ नहीं आया। इंसाफ भी होगा और फाई भी इसी अदालत से लगोगे। चीफ जस्टिस का शफी खोखर से मुकालमा। डीजी एंटी करप्शन को शफी खोखर से तफ्तीश करने का हुक्म। अफजल खोखर के जमीनों को यकजा करने वाले कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को पेश किया जाए। चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नया बोर्ड भी तहलील कर दिया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को तौहीने अदालत का नोटिस जारी। 2 दिन में जवाब तलब। बोर्ड मेंबरान की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर की गई। चीफ जस्टिस। पायलट्स और केबिन क्रू की डिग्रियों की तस्दीक के हवाले से अज खुद नोटिस के। सुप्रीम कोर्ट का 28 दिसंबर तक तमाम अफराद की डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म। जो वाजे और साफ डिग्रियां फराहम ना करे उसे फारिग कर दे। चीफ जस्टिस। बहुत से पायलट्स और केबिन क्रू की फराहम करदा डिग्रियां पढ़े जाने के काबिल नहीं। वकील सिविल एविएशन। घरेलू मुलाजमा दो बहनों पर तशद्दुद का केस। साबिक विफाकी वजीर सदीक कांजू का बेटा अमीन कांजू कमरा अदालत से गिरफ्तार। अमीन कांजू ने यास्मीन और साइमा पर चोरी का इल्जाम लगाकर शदीद तशद्दुद किया। वालदैन का मौकफ। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। लीगी रहनुमा और कारकुनान कायद से इजहार यकजहती के लिए जेल के बाहर पहुंचे। खूब नारेबाजी, पुलिस के साथ हक्कम पेल। गेट पर लगे बैरियर्स को हटाने की कोशिशें। नवाज शरीफ को जेल में डालने वाले जल्द खुद बैरकों में होंगे। पुलिस ने पुरम कारकुनों पर लाठीचार्ज किया। परवेज मलिक का इल्जाम, कारकुनों ने जेल के बाहर नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। नवाज शरीफ को जेल में बी क्लास की सहूलत। बैरक में टीवी, अखबार, मैट्रेस, 3 कुर्सियों के साथ मेज दस्तयाब। घर से कपड़े, बर्तन और खाना मंगवाने की भी इजाजत होगी। जेल में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, डॉक्टरों ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। बैरक नंबर 1 में मुंतकिल जुल्फिकार भुट्टो, आसिफ जरदारी, इमरान खान, जावेद हाशमी और ख्वाजा आसिफ इसी बैरक में जेल काट चुके। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आजादी की नेमत दिलाई, पाक वतन का तोहफा दिया। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना।
बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का आज 143वां यौम पैदाइश। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी जुर्रत अंथक मेहनत दयानतदारी हक गोई से इबारत। शहर भर में कायद आजम की सालगिरह पर तकरीबात, बाबाए कौम को सलाम। बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत, ISPR ने कायद डे पर नया नगमा जारी कर दिया। गवर्नर हाउस में यौम कायद और क्रिसमस के हवाले से खसूसी तकरीब, गवर्नर वजीर आला और सूबाई वज़रा की शिरकत, मिलकर केक काटा। गवर्नर पंजाब बोले, ऐसे पाकिस्तान के लिए कोशा है जहां सबको हकूक मिले। नए पाकिस्तान में हमने इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है। नो लीग की जानिब से मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में काय डे पर केक काटने की तकरीब, परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज चौधरी, शहबाज और डिप्टी मेयर्स की शिरकत। CCP ऑफिस में भी काय डे पर केक काटने की तकरीब, जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कायदे आजम के यौम पैदाइश पर केक काटा। कायदे आजम ने कहा था, काम काम और बस काम। जिन्होंने अपनी जिंदगी पर खेलकर मुल्क बनाया, हम उनकी याद छुट्टी करके मनाते हैं। चीफ जस्टिस के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कानूनी हैसियत से मुतालिक केस में रिमार्क्स, वजीरे कानून और वजीरे सेहत जाती हैसियत में तलब। वज़रा अदालत में पेश होकर यूनिवर्सिटियों की मंजूरी से मुतालिक तफसीलात से आगाह करें, चीफ जस्टिस। क्रिसमस आलमी मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार, वर्की कुमकुमों से सजे घर और जगमगाते क्रिसमस ट्री, कहीं तोहफों के ढेर तो कहीं लजीज खाने और केक। मसीही बरादरी अपने मजहबी त्यौहार पर खुशी से निहाल। सातवां क्लास बने बच्चों की एक दूसरे को मुबारकबाद। कैथेड्रल चर्च, रीगल चौक और डॉन बास्को चर्च एम्प्रेस रोड में खसूसी इबादत, मुल्की सलामती खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। आइसक्रीम के शौकीन अफराद खबरदार होशियार, आवाम को ठंडे और मीठे के नाम पर जहर खिलाया जाने लगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट्स पर छापे, 34,368 लीटर फेलशुदा आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स मार्केट से हटवा दिए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, आइसक्रीम में गंदे पानी, जानवरों के फजले में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाए गए। मुजरे सेहत खुराक बेचने वालों की पंजाब में कोई गुंजाइश नहीं। और 27वें कौमी रोलर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जिमनेजियम हॉल में शुरू, सूबाई वजीरे सनत मियासम इकबाल और वजीरे खेल राय तैमूर ने इफ्तिताह कर दिया। खिलाड़ियों की कौमी परचम थामे परफॉर्मेंस।